वर्ल्ड ल्यूपस डे हर साल 10 मई को SLE यानी सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस नामक ऑटोइम्यून बीमारी की जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। देखा गया है कि संसार में 5 मिलियन से ज़्यादा मरीज इस रोग से प्रभावित हैं। SLE एक ऑटोइम्यून बीमारी होती है जो हमारे शरीर के विभिन्न भाग जैसे चमड़ी, जोड़, फेफड़ा, दिल, दिमाग या गुर्दे जैसे भागों को हानि पहुंचाती है। ऑटोइम्यून डिजीज का मतलब क्या होता है? नॉर्मली हमारा इम्यून सिस्टम हमारे शरीर को बाहरी इन्फेक्शन से रोकता है उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना के, पर SLE जो कि ऑटोइम्यून डिजीज है उसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही शरीर के विभिन्न भाग के प्रति ओवर एक्टिव हो जाता है और वो एंटीबॉडीज के माध्यम से पूरे भागों को हानि पहुंचाता है। ऐसे ही ज्यादातर 15 से 45 उम्र वाली महिलाओं में पाया जाता है। देखा गया है कि पुरुषों की तुलना में ये रोग महिलाओं में 6 से 10 गुना ज्यादा पाया जाता है। 20% SLE के केस की शुरुआत 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों में होती है जिसको हम जुवेनाइल SLE बोलते हैं। SLE एक जेनेटिक रोग है। SLE होने के अन्य कारण हैं धूप में ज्यादा रहना, धूम्रपान करना, ज्यादा चिंतन करना और वायरल इन्फेक्शंस। SLE महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है क्योंकि महिलाओं में ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन की मात्रा ज्यादा होती है। SLE के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं: चेहरे पे लाल चकत्ते पड़ना, स्पेशली नाक और गालों पे, जिसका आकार बटरफ्लाई जैसा होता है इसलिए इसको बटरफ्लाई शेप्ड रैश बोलते हैं। शरीर के बाकी भागों पे लाल चकत्ते पड़ना जहाँ पे धूप का ज्यादा असर होता है, जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न होना, मुंह और नाक में छाले पड़ना, ज्यादा बालों का झड़ना, लंबे टाइम तक बुखार होना, जरूरत से ज्यादा थकान महसूस करना, वजन घटना, दिल या फेफड़े में सूजन हो जाना जिसकी वजह से सांस फूलना और छाती में दर्द होता है। ये रोग गुर्दों को असर करता है जिसमें पेशाब में खून आना, पेशाब की मात्रा कम हो जाना और चेहरे और पूरे शरीर में सूजन आ जाती है। SLE दिमाग को भी असर करता है जिसकी वजह से दौरे पड़ना, फालिश पड़ना, डिप्रेशन और हाथ पैरों में सुन्नपन जैसे लक्षण हो सकते हैं। SLE के इलाज में सबसे बड़ा लक्ष्य होता है हमारे इम्यून सिस्टम को शांत करना, सिम्टम्स का इलाज करना और हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को हानि से बचाना। वैसे आजकल SLE की आधुनिक दवाइयाँ आ गई हैं जिससे इलाज बहुत बेहतर हो गया है और मरीज की जीवन शैली और जीवन आयु पहले से बढ़ गई है। इसमें मुख्य दवाइयाँ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है स्टेरॉइड्स, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, सनस्क्रीन और भी ऐसी दवाइयाँ जिससे हमारा इम्यून सिस्टम शांत होता है। इसको रोकने के लिए मुख्य चीजें जो हम कर सकते हैं वो है, अगर धूप में जाएं तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें या पूरे कपड़े पहन के जाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करना, स्वस्थ भोजन का आहार करना जैसे कि कम नमक वाला खाना, कम तली हुई चीजें खाना, फलों का आहार करना, दूध दही के प्रोडक्ट्स करना। दवाइयों का सही टाइम पे सेवन करने से SLE आगे नहीं बढ़ता है और सही टाइम पे डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि SLE के मरीज ज्यादातर अपनी जिंदगी नॉर्मल लाइफ की तरह जी सकते हैं। डॉक्टर और अपने परिवारजन और दोस्तों की सहायता से मरीज इस बीमारी का मुकाबला कर सकता है। इस बीमारी में सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि हर मरीज में इसके लक्षण एक जैसे नहीं होते, इसलिए इस बीमारी को सही टाइम पे डायग्नोज करना बहुत जरूरी है वरना ये बीमारी जानलेवा हो सकती है। अगर आपको इसके लक्षण होते हैं तो
इसको अनदेखा ना करें, फौरन आप डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि जितनी जल्दी इस रोग का डायग्नोसिस होगा उतना ही बेहतर इसका इलाज होगा।